चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए। अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला। तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। कुछ गलत हो रहा है ना? नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा। मेरे ख्वाबों में कैसे आ जाती थी? मुझे सही तरह से पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा सा खौल है। मनुष्य जल रहा है, मगर मदद शैतान से मांग रहा है। मन मिट्टी विच गोडी कीती, भर भर मशकाचाया, सजे खबे उते थले काले लिकालाया। चुन चुन जितने भाग बताए, जहरा बेटा तुम भी मेरे पास बैठा करो, पढ़ा करो। अम्मा, मैं तो हमेशा से यही सब करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। अब मौका मिल रहा है ना? इस हालत में जो भी दुआ करोगी तुम्हारे बच्चे पे उसका असर होगा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी अता करे। तेरी कुदरत मौला, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बस मुझे अपने बच्चे की फिक्र है कि वो इस दुनिया में सलामती से हो जाए। अम्मा, जब मोमिन होने वाले थे तब आप भी बहुत दुआ करती थी। मोमिन की दफा तो मैं बहुत बीमार थी, ज्यादा पढ़ ही नहीं सकी, मगर हिबा की दफा मैंने बहुत दुआएं की थी। अम्मा, मैं भी तो हिबा जैसी हूँ, आप रोइए मत। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? काश मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती। हिबा बहुत मासूम थी जहरा, किसी और की जिंदगी बचाते बचाते हमने उसे कुर्बान कर दिया। मुझे लगता है वो हमसे नाराज है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। पापा क्या कहते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हिबा के वक्त खामोश रहे और अब तुम्हारे वक्त। मेरे वक्त क्या? मेरा मतलब है वो तुम्हारे लिए भी उसी तरह फिक्रमंद होते हैं जैसे हिबा के लिए हुआ करते थे। सास और बहू की मीटिंग चल रही है क्या? जरूर मेरी बुराइयां हो रही होंगी। हाँ, हमें तो जैसे और कोई काम ही नहीं है। अम्मा दुआओं का बता रही थी कि कैसे ये हम पर और हमारे आने वाले बच्चे पर असर करती है। इससे क्या पता? इसने कभी दुआओं पे ध्यान दिया हो तो ना? आप लोग जो है मेरे लिए दुआ करने के लिए, बस अब ये दुआ करें कि मैं कामयाब रहूं। सीधे रास्ते पर होंगे ना मोमिन, तो कामयाब ही होंगे। हाँ जहरा, दोपहर में तैयार रहना।
डॉक्टर के पास मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। पता नहीं ऐसी क्या गलती होगी मुझसे जो बॉस ने ये। अरे तुमसे गलती थोड़ी हुई, खुद बॉस से गलती हुई है कोई। एक्चुअली वो स्टाफ कम कर रहे हैं ना। चलो शुक्र करो इज्जत दे रहे हैं, रिजाइन ले रहे हैं, फायर तो नहीं किया। चलो साइन करो। पता नहीं कौन सा जाप टूटा यार मुझ पर। इस नौकरी की वजह से मैंने अम्मा को भी ईदियों भेज दिया। अब क्या करूंगा। चलो कोई नहीं, कहीं और ढूंढ लेंगे नौकरी। मेरे पास कौन से इतने को मेडल है। हाँ अच्छी स्कूलिंग है, डिग्री है, लेकिन मैं जानता किसी को नहीं हूं। और मेरी बहन जहरा तो कुछ नहीं। तुझा मैडम कहाँ जाना है। गुलशन चले, वहाँ पे एक शाह बाबा होते हैं ना, आप जानते हैं उनके बारे में। ओ, अभी उन्हीं के पास जाएगी। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, अगर आपको पता है कि वो कहाँ होते हैं तो चले वहाँ पे। आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। लेकिन ये बेबी मुझे बहुत तंग करता है। जाहिर है मेरा बच्चा जो है तंग तो करेगा। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें कितना तंग करता था, मारा करता था, फिर ये भी मुझे मार के ठीक किया करती थी। मगर जब तो हम बहुत छोटे होते थे, अब तो ना मैं आपको मार सकती हूँ ना आप इस बच्चे को। माशाल्लाह, कई सालों में मैंने ऐसा कपल नहीं देखा जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। अच्छा ये बताइए कि ये मेहमान कब आएगा। अरे अब तो चंद रोज ही बाकी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे डेट आ जाएगी, फिक्र नहीं करो। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में पता चलेगा डेट का। हाँ थैंक यू। लगता है आपको बहुत जल्दी है। अरे नहीं जरा, मुझे भला क्यों इतनी जल्दी होगी। चलें। मेरी हर बात मानते हैं आप। एक बात कहूँ। कहो। एक जगह है, वहां लेके चलेंगे मुझे। कहाँ जाना, ले चलता हूँ। चले चल। घबराओ नहीं, ये जगह मेरे लिए या किसी तबके के लिए नहीं है, सब इंसानों के लिए, अल्लाह की तरफ से। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मेरा यकीन नहीं है इन जगहों पर, वो तो बस जहरा ने बोला मैं यहाँ पे आ गया। गलत, जहरा सिर्फ जरिया बनी है तुम्हें यहाँ लाने के लिए, तुम खुद नहीं, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। और यहाँ हर कोई नहीं आता, और हाँ अगर यहाँ कोई आता है तो सबसे पहले दो रकात नफिल नमाज पढ़ता है, उसके बाद बाबा सरकार के मजार पे जाके सलाम करता है, फिर जो दुआ मांगना है मांग लो। यहाँ मैं अल्लाह से जो भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। हाँ अगर वो जायज होगी और तुम्हारे हक में बेहतर होगी तो तुम्हें मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो तुम शिकायत मत करना, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। चलो शुक्र है जहरा, तुमने मेरी बात तो मानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो। ठीक हूँ। चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी। आप मेरे लिए दुआ मांग रहे थे ना। सब होनी है ऑब्वियसली, तुम्हारे लिए भी और
हमारे आने वाले बच्चे के लिए। आपको पता है मैंने अल्लाह ताला से क्या मांगा? क्या मांगा? मैंने मांगा कि मेरे हिस्से की सारी खुशी और जिंदगी आपको मिल जाए। तुम हर वक्त मेरे लिए की दुआ मांगती हो, कुछ अपने हिस्से के लिए भी बचा लो। मेरा सब कुछ आप ही का तो है। आज मेरी फ्रेंड आयशा एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, क्योंकि आयशा इज अबाउट टू साइन अ फिल्म। कांग्रेचुलेशन आयशा। हाय, आज आप अकेले? आपके दोस्त नहीं आए था? कौन वो? अमन? वही, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। कहीं आप लोगों को उल्लू तो नहीं बनाते? लड़कियों के साथ घूमते हैं, अयाशियां करते हैं, और अंदर से बिल्कुल खोखले, ढोल की तरह। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम खुद अपना घर तो बना नहीं सकी और मुझसे बात कर रही हो? Shut up, just shut up। पता भी है किससे बात कर रहे हो? मैं, मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम है आयशा मलिक और मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। Just shut up and get lost। जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी औकात को भी जानता हूँ। तुम्हारी औकात क्या है? अच्छी महफिल में बैठने के काबिल नहीं हो तुम। मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। छोड़ मुझे, मैं इसको बताता हूँ। आयशा, फोन बज रहा है तुम्हारा, उठाओ। तानी क्यों फोन करता रहता है ये मुझे? से गरीब आदमी से शादी कर ली है मैंने भी, फंस गई हूँ। शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम्हारा मियाँ एक फकीर आदमी है। मुझे माफ कर दे सारा, मुझे माफ कर दे भाई, से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाय, मुझे माफ कर दे। तेरी कुदरत मौला, छोड़ दो, नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, तुम्हें क्या हुआ? उन्हें फिर कोई ख्वाब देखा? सो जाओ। कहना को देखा मैंने, बहुत अजीब सी हालत में थी। क्या अजीब सी हालत में देखा? मतलब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो ख्वाबों पर यकीन नहीं करते। हाँ, ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। मुस्तफा,
जहरा, जहरा तू आ गई। मुझे पता था तू जरूर आएगी। मेरे घर का दरवाजा कब से बंद है, कब से बेलबेली आ रही हूँ, दरवाजा खटखटा रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। मैं तू अंदर आ, तू अंदर आ, मैं बताती हूँ। आजा। जहरा, मैं तुझे याद कर रही थी इसीलिए कि तुझे बता सकूं। क्या आयशा दरवाजा बाहर से लॉक करके चली गई है? मुस्तफा भी कुछ नहीं बोलता। तुझे शायद पता नहीं है जहरा, आयशा ने अम्मा को घर से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले ही मुस्तफा उन्हें गवर्नमेंट के एक इदारे में छोड़ के आया था। क्यों, क्या अम्मा को मरने के लिए छोड़ दिया? पूरी बात सुन, यहाँ बहुत कुछ हो गया है जहरा। आयशा ने वो घर अपने नाम करवा लिया था, बेच दिया है वो घर। तेरा घर बिक गया है जहरा। अब कल से वहां नए लोग आके रहने लगेंगे। दुकान तक बिक गई। और मुस्तफा वो कहां रह रहा है? क्या घर बेच के आयशा के साथ रह? नहीं नहीं, मुस्तफा बेचारा तो खुद दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आयशा ने उसे बगैर बताए ही वो घर बेच दिया और मुस्तफा को छोड़ दिया। मुस्तफा था ही इसे काबिल, उसने जो कुछ किया यही सलाह मिलना था उसे। देख मैं मानती हूँ एक वक्त में उसने तुझ पे बहुत सारे जुल्म किए, लेकिन मेरे बुरे वक्त में वो मेरे बहुत काम आया। जब मैं माँ बनने वाली थी उसने मेरा बहुत साथ दिया जहरा। इसमें भी उसी का कोई मतलब होगा। मुझे नफरत हो गई अपने भाई से। जो माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। तुमसे भी मिलने आया ना, मैं तो उसकी सगी बहन हूँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। एक दफा भी मुझसे मिलने नहीं आया। देख जहरा, तेरे भाई को तुझसे मतलब हो सकता है, मुझसे नहीं। उसने हमेशा मुझे मना किया कि मैं तुझे कुछ ना बताऊं कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। वो बुरा इंसान नहीं है, बस बहक गया था तेरे वक्त में। उस बेचारे पे तो आयशा का और नजर बाबा का जादू चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब बातें सुनने के बाद मैं क्या कहूँ। उसे जब उस घर से निकाला गया तो सारी रात पागलों की तरह बाहर बैठा रहा, कुछ सोचता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की जहरा कि उसे अपने घर में ले आऊं, और जब मैं तुझे बताने लगी तो मुस्तफा ने मेरे बच्चे की कसम देके मुझे रोक दिया। कहने लगा कि अपनी बहन के बुरे वक्त में मैं उसके काम नहीं आ सका तो अपने बुरे वक्त में अपनी बहन की मदद नहीं लूंगा। तुझे पता है जहरा, नजर बाबा को पकड़वाने में सिर्फ मैं ही नहीं, मुस्तफा भी शामिल है। बेगर्ज उसने ये नेकी की है, वो बुरा इंसान नहीं है। बस बहक गया था। पता नहीं कहां होगा मुस्तफा, किस हाल में होगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे होते हुए मुस्तफा कहीं नहीं जाएगा, शर्मिंदा होगा इसलिए यहाँ नहीं आया होगा। मगर तुम फिक्र ना करो, मैं उसे ढूंढ लूंगी, ढूंढ के तुम्हारे पास लाऊंगी। मैं अब चलती हूँ। तेरी बेटी, इन्हें तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन बचाने वाला मारने वाले से बहुत बड़ा है। ए खुदा, मेरी जरा को खुशियां दिखाना। काश काश एक दफा मैं उससे माफी मांग सकती।
मोमिन, मुस्तफा कहीं मिल ही नहीं रहा। तुम क्यों चल के आ रही हो? मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, यही हूँ मैं। अपने काम के लिए अपनी जगह से चलकर आना पड़ता है मोमिन। बात तो तुम्हें बहुत समझदारी की है, लेकिन इस हालत में तुम्हारा चलना फिरना ठीक नहीं है, जाके आराम करो। आप मुस्तफा से नाराज हैं ना? जो कुछ उसने किया, क्या मुझे उसे नाराज नहीं होना चाहिए था? आपने भी तो उसको इतना डांटा, माफ कर देना। तुम्हें कुछ याद है, कुछ अंदाजा है कि तुम किस हालत में आई थी हमारे पास? अपना पागलपन भूल गई हो क्या? और ये वही शख्स है ना जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? मर तो नहीं गई थी ना, और ना ही मरने वाली हूँ। प्लीज जरा इस वक्त ऐसी बातें मत करो। मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए उसे माफ नहीं कर सका। मोमिन, मेरे साथ तो सभी ने बुरा किया, मुस्तफा तो फिर भी मेरा भाई है। मैं आपको इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुस्तफा की गलती थी, जानती हूँ कि वो गलत है, लेकिन वो बहक गया था। उसको उसके हिस्से की सजा मिल गई मोमिन, उसको माफ कर देना। अगर मैं मुस्तफा को माफ कर दूं तो तुम खुश हो जाओगी? हाँ। यूं लगेगा कि मैंने अपना आखिरी काम पूरा कर दिया। तो ठीक है, मैंने उसको माफ कर दिया तुम्हारी खातिर। अब इधर उधर घूमने की बजाय तुम बाबा को साथ ले जाओ, उन्हें हमेशा की तरह सब कुछ पता होता है। अंकल, हेलो नियाज। ये क्या है? नियाज, तुम लाए हो मेरे लिए? उस बाजी ने मेरे, उसका भाई गुम हो गया। मन मिट्टी विच तो क्या नाम है, दुआ करूंगा। भर भर मशकाचाया सजे खबे उते थले काले तो हो गई ना तुम्हारी पकड़। शोला वालों के घर में भी मुझ पर, अपनी बहन से भी। किस मुंह से जाऊं उसके सामने? जाओ, जाकर माफी मांगो उससे, शायद खुदा भी तुम्हें माफ कर दे। नहीं मांग सकता माफी। तो वो ठीक हो गई है क्या? उसे सब कुछ याद नहीं होगा जो मैंने उसके साथ किया? इसीलिए तो बेचारी इस हालत में भी दिन रात तुम्हें ढूंढती फिर रही हर जगह। ये नियाज भी तुम्हें कब ढूंढने के सिलसिले में है। चर्चा कर मिलो उससे। उस वक्त इसके पास वक्त बहुत कम है। क्या कह रहे हैं यार? इसीलिए कह रहा हूं जाकर मिलो उससे और निभा लो भाई का वो फर्ज जो तुमने कभी पूरा नहीं किया। ये मां बनने वाली है। मुझे माफ कर दे सारा, मुझे माफ कर दे भाई। से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दे। जहरा बेटा, तुम चलकर बैठो, चाय मैं लेकर आती हूँ। करने देना अम्मा मुझे काम, आप भी तो करती हैं। आप बैठे, मैं ले आती हूँ। चलो शाबाश के लिए। आप मुझे बस मस्जिद तक छुड़वा दें, मैं खुद ही कुछ कर लूँ। कहाँ रुके हुए?
वो एक दोस्त के घर। तुम फिक्र ना करो। फिक्र क्यों ना करो? क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी फिक्र नहीं की। बेटा मुस्तफा, उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूं। जहरा के भाई की इलामतों सिप्ता इनके बेटे भी। मोमिन, कितनी अजीब बात है, मैं तुम्हें इसी घर में यहां धमकियां देकर गया था और यहीं से मुझे सहारा मिला। तुम्हें पता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने एक अच्छे इंसान के साथ बुरा किया। मैं इतना अजीम नहीं हूं कि मेरी वजह से किसी को सजा मिले। नहीं, अगर तुम अच्छे ना होते तो मैं तुमसे कभी लड़ाई ना करता। मैं भटक गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अमी जहरा को बहुत खुश रखना। तुम जा कहाँ रहे? मेरा ठिकाना मैं नहीं, कहीं और सोचे। शायद तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है कि तुम अपनी की हुई गलतियों की तलाफी कर सको। वो कैसे? अपनी बहन को देखो, उसकी जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं। उसको वक्त दो ताकि जो महरूमी है वो दूर हो जाए। और मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं। I'm sorry. नहीं जहरा, मैंने कहा ना, बस बहुत हो गया। अगर अब तूने मुझसे आइंदा ऐसी बात की ना, तो मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और तू अच्छी तरह जानती है तेरी कुदरत मौला। ये लो तुम्हारा चाइनीज। अगर आज आप मुझे चाइनीज खिलाने के लिए ना रहते ना, मैं आपसे बात नहीं करती। बड़े नफरे में ही तुम्हारे। वैसे मैं नहीं सर चढ़ाया तुम्हें। क्यों? बेगम को सर पे नहीं चढ़ाएंगे तो फिर कैसे चढ़ाएंगे? मुझे ये बताओ, तुम खुश तो हो ना? आई मीन मेरे साथ भी कमी तो नहीं है तुम्हारी? हाँ मोमिन, अब तो मुझसे भी वापस आ गया। कुछ दिनों बाद मामू बन जाएगा और फिर क्या? पूरे घर में बच्चे का शोर होगा, खिलौने होंगे, मैं होंगी और क्या होगा? क्या हो गया मोमे? हम सब होंगे सिंड्रेला की तरह, सब खुश रहेंगे। तुम्हें ये सब मिल गया ना? मैं भी मिल गया। हाँ, पता है मोमे, मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो असल जोड़े होते हैं ना, बचपन में एक दफा जरूर मिल चुके होते हैं। अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो क्या तुम कहीं और शादी कर लोगे? ऐसी बातें दोबारा मत कीजिएगा मोमिन, बस। अरे जहरा, तुम्हें क्या हो गया? ऐसी बात पे तुम रोने लगी? बस मैंने कह दिया ना आपको, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ना तो सबको एक दिन है ना? मुझे सबका पता नहीं है, लेकिन आपके और मेरे मामले में देखिएगा पहले मैं ही मरूंगी। ऐसा क्यों बोल रही? इसलिए कि मैं आपको कभी भी जाने नहीं दूंगी, और अगर किसी ने जिद की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। और मैंने अपने अल्लाह से कह दिया है पहले मुझे अपने पास बुलाए। तब प्यार करती थी मुझसे, के बावजूद भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चली जाओगी? और अगर मैंने किसी और से शादी कर ली तो क्या हुआ? आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें। मुझे पता है इस दुनिया में हम दोनों ने एक साथ ही रहना है। आप सोचते रहिए, आप देखते रहिए। ऐसा क्या हो गया जहरा को? क्या कोई बीमारी? नहीं, उसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है।
बस किस्मत ने धोखा दिया है उसे, हमेशा की तरह। वो वक्त के हाथों आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। कल मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि जहरा ने शायद ही कभी कोई गुनाह किया, लेकिन मुझे नहीं पता आप ये जानते हैं नहीं कि जहरा एक बाबा के पास गई थी अपनी किस्मत बदलने। बदल तो दी उसने किस्मत, कौन समझाए ऐसी बेवकूफ लड़कियों को और ऐसे खबीसों को। कल आप कहते हैं ना सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, फिर उसका क्या जो ये सब कुछ भुगत रहा है। भुगतना तो पड़ता है चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। लेकिन इसमें किसी का क्या कसूर, खास तौर पर उन लोगों का जो खास है। खास लोग खास मसलों से गुजरते हैं और आम लोग आम मसलों से। तो वे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और आयशा को भी उन सब का हिसाब देना होगा। मैं जहरा को भेजता हूं। मुस्तफा आओ बैठो। अब नहीं, आप पढ़ ले, मैं बाद में आता हूं। आ जाओ बैठो। शुक्रिया। आपके घर में एक अजीब सा सुकून है, यहां आकर मैं अपनी परेशानियां भूल जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने अंदर झांकना आ गया है। जब अंदर की आवाज सुनाई देने लग जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। मुझे तो हैरत होती है आप लोगों को देखकर, फिर मैं अपने आप को देखता हूं। मैंने जहरा के साथ कितना बुरा किया और आप लोगों ने उसकी मदद की, और मेरी गलतियों के लिए भी मुझे माफ कर दिया। यही तो हमें सिखाया जाता है, लेकिन हम सीखने में सदियां गुजार देते हैं कि माफ कर देना ही जरूरी है, दूसरों को भी अपने आप को भी। क्या जहरा जाने वाली है? पता नहीं, ना मैं सितारों का हाल जानती हूं ना गैब का इल्म रखती हूं। देख नहीं सकती लेकिन महसूस जरूर करती हूं, और मेरा यकीन है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तुम अब सही रास्ते पर चल पड़े हो तो उसी से लो लगाओ। हो सकता है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। नहीं नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ, सिगरेट बुझा क्यों दी? मेरे सामने पहली दफा थोड़ी पी रहे हो। पहले की बात और थी, अब सब कुछ बदल गया। अब सब कुछ अच्छा है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। जब भी मासी के बारे में सोचता हूं बहुत दुख होता है। मैंने कितना बुरा किया तेरे साथ, कितना मारा तुझे। तेरा कभी दिल नहीं करता था कि तू भी मुझे मारे, मुझसे पूछे कि मैंने क्यों किया तेरे साथ ऐसा।
मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ अब भी वही सब कुछ करूं जो पहले करती थी। ऐसा मत बोल जरा, तू इतनी अच्छी क्यों है? और मैं ऐसा, काश मैं तेरे जैसा हूं। अम्मा कैसी हैं? मिलने गए थे उनसे? हाँ, पर कोई फायदा नहीं, ना कुछ सुनती है ना कुछ समझती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया मेरे पीछे जो अम्मा की ये हालत हो गई। आयशा का कुछ पता चला? पता चलेगा ना तो जान से मार दूंगा उसको। तो देख उसने क्या किया मेरे साथ। पर सोचता हूं कि इसमें आयशा का नहीं मेरा ही कसूर है। मैंने कितना जुल्म किया तेरे साथ, अम्मा के साथ, उसने मेरे साथ कर दिया। शायद अम्मा को भी इसी बात की सजा मिल रही है। उन्होंने भी तो अब्बा को जीते जी। मुस्तफा कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ? अगर बुरा करने पर इसी तरह सजा मिलती रही तो वो एक बात बतानी थी तुम्हें। हम लोग पहले बहुत बड़े घर में रहते थे, उस पे कई सालों से केस चल रहा है। कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं जो अब्बा ने मेरे नाम पे लेके रखे थे, जो मेरे किसी काम के नहीं है। देखो मुस्तफा, अब तो ये वाला घर भी हमारे हाथ से निकल गया, क्यों ना तुम अम्मा को लेके पुराने वाले घर में चले जाओ। बस जरा बहुत हो गया, अब एक लफ्ज ही मुझे मत कहना। अभी तेरा भाई जिंदा है, हाथ पैर सलामत है उसके। तू देख तो क्या हुआ जायदाद के पीछे। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? बैठो तो सही। नहीं जहरा, मैंने कहा ना बस बहुत हो गया। अगर अब तूने मुझसे आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और तू अच्छी तरह जानती है मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। आज की ड्रिंक्स आयशा के लिए। चीज। ये फिल्म मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। इनफैक्ट सबसे बड़ा ख्वाब है। हमने सुना आपकी शादी टूट गई। बकवास। आपको पता है लोग रूमर्स करते हैं स्टार्स के बारे में, झूठी बातें हैं सारी। या आपका और उमर साहब का शादी का कोई प्लान है? बिल्कुल नहीं। उमर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही इज जस्ट अ फ्रेंड और कुछ भी नहीं। अगर आपके सामने दो चीजें रखी जाएं, एक आपकी फिल्म और दूसरा आपका प्यार, तो आप किसको चूज करेंगे? ऑफ कोर्स मेरी फिल्म। देखिए मेरे सारे फैंस तो जानते ही हैं कि आई एम सो डेडिकेटेड। मैं बहुत अपनी काम की तरफ डेडिकेटेड हूँ, प्यार है मुझे काम। थैंक यू मैडम। क्या बात है, आप इस तरफ क्यों बैठी है? खैरियत तो है? ठीक हूँ। लगता है कुछ छुपा रही है। डॉक्टर ने जहरा की डिलीवरी की डेट दे दी है, चंद ही दिन बचे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे तो बस एक मौजूदे की उम्मीद है, क्या कोई मौजूदा नहीं हो सकता? हो सकता है अगर हम हक पर तो जरूर होगा। डर सा लग रहा है, ऐसा लगता है बुरे वक्त की घड़ियां शुरू हो गई हैं। इतनी खामोशी क्यों है आज घर में? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं,
बस तबीयत जरा बोझल है। क्या हुआ अम्मा को? अब तक जो कुछ हो चुका है बेटा, कम है बीमार पड़ने के लिए। बाबा आप परेशान लग रहे हैं। मोमिन देखे ना, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुमने सही इंसान से पूछा है बेटा। मोमिन तो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। दूर तो मैं जा रही हूँ सबसे। इन 9 महीनों में सारे रिश्ते जी लिए मैंने। कोई भी घड़ी बंद मत करना, वरना मेरे बच्चे की किस्मत भी ऐसे ही बंद हो जाएगी। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी खुद